हेलो गाइस, तो ये जो टॉपिक है अब ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है. मतलब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं. सो हाउ टू डिसाइड अ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो देखते कैसे. सो हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग. तो रोलिंग में कैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं, यहाँ पे मैं तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे डालता हूँ. अब देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं. अब देखो, तीनों तीन इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है, फर्स्ट केस में टेंजेंशियल लगा हुआ है ऊपर बॉडी के टॉप में, सेकंड केस में वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और थर्ड में वो सेंटर ऑफ मास के नीचे है. तो ये तीनों तीन केस में एक्सटर्नल फोर्स मैंने अलग अलग पोजिशन पर लगाया हुआ है. अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तो पहले ही मैंने देख लिया है. यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है वो हम लोग देखते हैं शॉर्टकट वे में. पहले मुझे बताओ कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है. देखो, ये जो पॉइंट जो डिस्क का जो ग्राउंड के साथ पॉइंट है वो आगे जाना चाहता है या पीछे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कहाँ पे होगा. मतलब दिस पॉइंट टेंड्स टू मूव अहेड और मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दैट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, राइट. ये सही है. तो अब देखो, जैसे ही टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जैसे ही मैं डिस्क को डालता हूँ यहाँ पे, अब ये डिस्क को यहाँ पे जैसे ही मैंने रखा ग्राउंड पे, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा और क्या होगा. तो दो टाइप का एक्सेलरेशन होगा, एक होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरा क्या होगा, अल्फा. अब ये एफ आगे है तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा. F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, F बाय m. अब वो कहां पे आया, आगे. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया आगे, ठीक है. अब यहां पे ये फोर्स के वजह से यहां पे अल्फा कैसे होगा. यहां पे अल्फा कुछ इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि बॉडी क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. देखो, ध्यान में रखो, यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं ले रहा हूँ. मैं सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कर रहा हूँ. तो ठीक है, तो मुझे तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी टॉर्क इक्वेशन लगा के. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा एफ इंटू आर, दैट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा. तो यहाँ पे आर 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 कट हो गया, तो आर इंटू अल्फा, तो अल्फा इंटू आर की यहाँ पे वैल्यू आई 2F बाय एम. अब यहाँ पे मैजिक देखो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे बताओ, ये पॉइंट का मुझे मोशन ऑब्जर्व करना था. अब ये पॉइंट का मोशन आगे होगा या पीछे, उसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड रहती है. तो यहां पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आगे होता है और अल्फा आर पीछे होता है. अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के मुझे बताओ क्या ज्यादा होगा, अल्फा आर या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऑब्वियसली अल्फा आर. सो अल्फा आर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे मूव करना चाहेगा, पीछे. तो मुझे बताओ उसको रुकाने के लिए फ्रिक्शन कहां पे आना चाहिए, आगे. तो यहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पे होगी, आगे. तो यहां पे फ्रिक्शन आगे हो जाएगा. अब एक्चुअल क्वेश्चन, फ्रिक्शन को आगे लेके सॉल्व करेंगे. तो ये इक्वेशंस जो यहां पे मैंने लिखे हुए ये वैलिड नहीं है क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए. मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, तो ये इक्वेशंस नहीं है. ये इक्वेशंस किसके लिए वैलिड है, टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. समझ में आया, ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. अब मुझे बताओ सेकेंड एग्जाम्पल में एफ कहाँ पे, आगे. तो ठीक है, मैं इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा एफ डिवाइड बाय एम. मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी. ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो, क्योंकि फोर्स सेंटर ऑफ मास से जा रहा है. तो इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, जीरो. टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है. तो श्योर शॉट ये पॉइंट कहां पे जाएगा, आगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से. तो उसको अड़ाने के लिए मुझे बताओ फ्रिक्शन कहां पे आएगा, पीछे. तो यहां पे फ्रिक्शन आएगा पीछे.
तो सेकंड केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, पीछे। जो तो थर्ड केस में क्या होगा, अब थर्ड केस तो आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो, अब थर्ड केस में फोर्स नीचे है तो मुझे यहाँ पे बताओ ये फोर्स इस बॉडी को कैसे घुमाना चाहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में अल्फा, और इवन इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, आगे। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट, वो श्योर शॉट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा आर से आगे ही जाएगा, तो वो अब आगे मूव करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन कहां पे होना चाहिए, पीछे। तो इस केस में फ्रिक्शन कहां पे होना चाहिए, पीछे। तो सेकंड एंड थर्ड केस में फ्रिक्शन कहां पे होगा, पीछे, और फर्स्ट केस में फ्रिक्शन कहां पे होगा, आगे। ध्यान में रखना है ये मैंने डिस्क के लिए लिखा हुआ है, अब यही चीज रिंग के लिए भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, रिंग के लिए करो और देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पे आएगी। आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर सकते हो, सिर्फ यहां पे क्या चीज चेंज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आप सबके लिए करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि रिंग में, डिस्क में, सिलेंडर में, सब जगह पे फ्रिक्शन आगे होता है या पीछे होता है, जब फोर्स टेंजेंशियल हो, सेंटर ऑफ मास से जा रहा हो या कोई और जगह से जा रहा हो। तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन डायरेक्टली डिफाइन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। समझ में आए, देखो ये हेल्पफुल है, कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन जेई में आ सकता है, तो आप शॉर्टकट मेथड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू।